नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत। तो पिछले कक्षा में हम व्यंजनाक्षर सीखा है ना, क वर्क, व्यंजनाक्षर की क वर्क सीखा, याद है आप लोगों को? तो देखें, ये है ख वर्क। तो व्यंजनाक्षर के पहला वर्ग है ख वर्क। तो देखिए, ये है हम सीखा पहले ख वर्क, क ख ग ख न। मेरे साथ दोहराइए, हमें एक साथ दोहराइए। देखिए, ये है ख ख ग ख न। अच्छा, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। तो क वर्ग के बाद आज हम छ वर्ग सीखेंगे। क्या है? छ वर्ग, ठीक है। तो चलिए हम एक साथ पढ़ेंगे। तो ये है छ वर्ग, ये है छ वर्ग, ये है छ छ ज ज ञ। एक बार, ये है छ छ ज झ ञ। समझ गए आप लोगों ने? ये कैसे हम लिखेंगे, जानते हो आप लोग? कोई बात नहीं, लोगों को नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मेरे साथ ध्यान से देखिए बच्चों। मैं यहाँ लिख दूंगी, ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, ये छ वर्ग कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। ये है छ, ये क्या है बच्चों? ये है छ। तो छ कैसे हम लिखेंगे? पहले एक स्टैंडिंग लाइन, बोलना मत, हम टू लाइन में लिखते समय टू लाइन में टच करके लिखना है। समझ गए आप लोगों ने? तो हमारे जो हिंदी लिखते समय टू लाइन में टच करके लिखना है। तो देखिए, ये है छ, ये छ कैसे लिखते हैं? पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लिखना है। उसके बाद इसे घुमा करके ऊपर जाकर नीचे आना है। एक बार, पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और इसे घुमा करके ऊपर जाकर नीचे आना है। अब बन गया छ। और अंत में एक स्लीपिंग लाइन तो डालना भूलना मत, हिंदी लिखते समय हम स्लीपिंग लाइन तो जरूर लिखना है, ऊपर अक्षर के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन जरूर लिखना है, भूलना मत। और एक बार मैं लिखूंगी, ध्यान से देखिए, छ, पहले जो छोटी सी स्टैंडिंग लाइन इसे घुमा करके ऊपर जाकर नीचे आना है, और अंत में ये स्लीपिंग लाइन, अब बन गया छ, इसी है ना। और छ के बाद छ छ छ सीखेंगे हम, ये है छ। ध्यान से देखिए ये लेटर, ये अक्षर ध्यान से देखिए कैसे हैं। नंबर थ्री रिवर्स ले दे बोले ये। तो देखिए इच्छा कैसे लिखेंगे, नंबर थ्री इसे रिवर्स में लिखकर ऊपर जाकर आया, एक बार घुमा करके ऊपर जाकर सी लाइन में धीरे से नीचे आना है। अब बन गया अच्छा। तो देखिए एक बार मैं लिखूंगी, ध्यान से देखिए बच्चों, टू लाइन में टच करके लिखना है। एक बार थ्री रिवर्स में लिखकर घुमा करके ऊपर जाना है, ठीक है, समझ गए? और अंत में ये स्लीपिंग लाइन तो उठाना भूलना मत, फिर भी एक बार मेरे साथ थ्री रिवर्स में लिखकर घुमा करके ऊपर जाना है, और बाद में ये स्लीपिंग लाइन। अब बन गया छ। देखिए ऐसे पहले थ्री, देखिए थ्री तो लिखना है, और इसे ऊपर जाकर एक ऐसे घुमा करके बाद में ऊपर यहां टच करना है, और अंत में स्लीपिंग लाइन तो डालना है। बन गया अच्छा। इसी मेथड है कैसे लिखना है, पहले आप लोग धीरे से धीरे 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 लिखना है, अंत में आप लोग जरूर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए यह छ, ये क्या है बच्चों? यह छ, पहले हम छ सीख चुके हैं, अब हम छ, ये छ छ, और इसके बाद जा,
ये जा इंग्लिश अल्फाबेट जी जैसे है ना, कैपिटल लेटर जी जैसे है ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर जी जैसे है ना, तो देखिए इसे हम लिखेंगे पहले जी लिखकर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन है, अंत में स्लीपिंग लाइन। एक बार पहले जी तो लिखना है, जी हाफ तो लिखना है ना, पूरी जी नहीं है, हाफ जी, और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन तो लिखे तो अब बन गए जा। एक बार भी लिखोगे ध्यान से देखिए बच्चों, पहले जी तो लिखना है और स्टैंडिंग लाइन है और अंत में स्लीपिंग लाइन, बन गए जा। ठीक है, इतना अब कुछ इतना आप लोग सीख चुके हैं ना, क्लियर। तो चलिए ये है चा चा जा, अब हम छा पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ। तो ये हम पहले ही जानते हैं ना, सुराक्षर पढ़ते समय हम ई सीख चुके हैं ना, ई ई पढ़ चुके ना, लेने लगे ला मेरा। सो पहले हमें क्या लिखना है, ई लिखना है, तो देखिए है ई, पहले हम क्या लिखना है ई, और इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन, अंत में ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। देखिए पहले हमें ई लिखना है और एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है, और इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, इसके बीच में एक स्लीपिंग लाइन है और एक स्टैंडिंग लाइन है, और ऊपर अगेन वन मोर स्लीपिंग लाइन, खत्म हुआ। अब हम छ सीख चुके हैं, तो देखिए है ये क्या है छा, ये छा हम कैसे लिखते हैं, सुराक्षर में हम ई पढ़ चुके हैं ना, पहले हम ई सीख चुके हैं और ई पहले लिखना है, और इसके बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, और बाद में एक स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो अब हम छ सीख चुके हैं, और देखिए ये है न्या, ये क्या है बच्चों, ये है न्या, ये न्या, न्या भी देखिए ध्यान से देखिए, सी इंग्लिश अल्फाबेट सी रिवर्स ले ले बोले ले, सो पहले हमें इस सी रिवर्स ले लेना, देन वन मोर स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन तो लिखना है। देखिए मेरे साथ सी तो रिवर्स में लिखकर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है, ये है न्या। देखिए ऐसे सी रिवर्स में लिखकर स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन तो लिखना बोलना मत बच्चों, हिंदी लिखते समय हमेशा ऊपर अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन तो लिखना है। तो देखिए ये है हमारी व्यंजनाक्षर के छ वर्ग, ये क्या है, ये है छ वर्ग, का वर्ग हम पिछले जो कक्षा में सीख चुके हैं। तो देखिए छ छ ज झ ञ, इसमें छ कैसे लिखते हैं ये सीख चुके हैं, ये है छ, ये ज और ये है छ, अंत में ञ। एक बार छ छ ज झ ञ, क्लियर चिल्ड्रन। तो आज हम व्यंजनाक्षर के छ वर्ग भी सीख चुके हैं, अगली कक्षा में हम छ के बाद क्या है, छ छ ज छ ञ ठ वर्ग सीखेंगे, ठीक है, अगली कक्षा में हम ठ वर्ग सीखेंगे। तो आज की जो कक्षा इतना ही है, आज हम व्यंजनाक्षर के छ वर्ग सीख चुके हैं, फिलहाल को मनसलाई हम जाए करो। तो देखिए कैसे लिखना है, टू लाइन में टच करके लिखना है, हिंदी लिखते समय टू लाइन में टच करके लिखना है, और अंत में स्लीपिंग लाइन तो ढालना भूलना मत, ठीक है बच्चों। तो अगली कक्षा में मिलेंगे, धन्यवाद।